एक पति अपनी बीवी की लाश के पास बैठा हुआ है करीब 2 घंटे से। लगातार उस लाश को निहार रहा है, देख रहा है, लेकिन मन ही मन वो सोच रहा है कि अब किस कदर वो अपनी बीवी से पैसे मांगेगा, किस कदर वो अपनी बीवी के जरिए पैसों का जुगाड़ करेगा। उस पति को जरा भी खेद नहीं है, दुख नहीं है, कोई भी ऐसी उसके चेहरे पर शिकन नहीं है कि उसकी बीवी की मौत हो गई है, उसकी लाश सामने पड़ी हुई है। बल्कि वो तो लाश को निहार रहा है और ये सोच रहा है कि अब जो लाखों रुपए का मैं जुगाड़ कर रहा था अपने बीवी के जरिए, अब मैं वो कैसे करूँगा। ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहले आप जो अभी ये तस्वीर देख रहे हैं, ये संदीप है उर्फ विशाल, उम्र 28 साल, नेपाल का रहने वाला है। दूसरी तरफ जो तस्वीर है ये संगीता की है, 26 साल उम्र है, ये भी नेपाल की है। आज से करीब 5 साल पहले जो संदीप है वो नेपाल से भारत आ गया, भारत में जयपुर आ गया और यहाँ पर एक व्यवसायी के घर काम करने लगा, उनकी कार वगैरह चलाता, कार धोता। तो फिलहाल अभी ये इस तरीके से काम करने लगा, घर आना जाना इसका बंद हो गया था, नेपाल बिल्कुल नहीं जा रहा था। लेकिन कुछ साल पहले ये एक शादी में गया नेपाल में, इसके रिलेशन में कोई शादी थी, वहाँ पर इसकी नज़रें टिक गई संगीता पर। इसने संगीता को देखा तो संगीता को ये पसंद करने लगा, मन ही मन संगीता की खूबसूरती पर फिदा हो गया। इसे लगा इस लड़की से किसी तरीके से मुझे बातचीत करनी पड़ेगी और उसी शादी में इसने संगीता से बात करने की कोशिश की। संगीता ने भी इससे बातचीत की और धीरे धीरे नंबर भी शेयर हो गया। अब इन लोग की लगातार बातें होने लगी, धीरे धीरे बातचीत इतनी बढ़ गई कि दोनों में प्यार भी हो गया। संगीता भी संदीप से प्यार करने लगी और संदीप तो पहले ही मन बना चुका था कि अब मुझे संगीता से शादी करनी है, जब वो उससे शादी में मिला था। अब साल आता है 2023, तो 4 मई को दोनों की शादी होती है नेपाल में। दोनों धूमधाम से शादी करते हैं, बहुत अच्छी शादी होती है, परिवार वाले भी खुश होते हैं। अब शादी हो जाने के बाद ये फिर से जयपुर आ जाता है अपने काम के सिलसिले में और संगीता घर पे ही रहती है। बीच बीच में दोनों की बातचीत होती है, लेकिन शादी के बाद अचानक जो संदीप है उसका नेचर चेंज हो जाता है। वो संगीता से मारपीट करने लगता है और साथ ही साथ पैसों की डिमांड करने लगता है। वो संगीता से लगातार बोलता है कि तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे कुछ दिया नहीं है, दहेज के तौर पर मुझे ठेंगा मिला है और मुझे तुमसे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तरह तरह की डिमांड करता रहा। और जब भी संदीप नेपाल जाता संगीता से मिलने, तब भी मारपीट करता, साथ ही साथ उससे बोलता कि अपने बाप से इतने रुपए मांगो, अपने परिवार वालों से ये मांगो, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, और ज़्यादातर दहेज के लिए उसे ताने देता, उसके साथ मारपीट लगातार करता रहता। अब इसी सब सिलसिले में लगातार इनके बीच में तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन संगीता किसी तरीके से निभा रही थी। ये फिर से जयपुर आ जाता है। अब जयपुर आ जाने के बाद इसके मन में और ज़्यादा पैसे की ललक जगती है, सोचता है किसी भी तरीके से मुझे अब पैसे लेने ही पड़ेंगे, संगीता को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना ही पड़ेगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। क्योंकि जिस व्यापारी के घर ये काम करता था वहाँ पे ये सिर्फ ड्राइवरी का काम करता था, उनकी गाड़ियाँ धो दिया करता था, जो उनकी मेम साहब थी उन्हें कहीं ले जाना हो, वापस घर छोड़ना है, इस तरीके का काम करता था, तो ठीक ठाक सैलरी इतनी नहीं थी। अब इधर जब संगीता के साथ भी मारपीट होने लगी तो उसके जो घर वाले हैं वो भी बोलने लगे कि बेटा घर आ जाओ, अगर ऐसी दिक्कत है, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, समस्या बताओ। ये सारी चीज़ें परिवार में चलती रहती, लेकिन संगीता किसी तरीके से फिर भी मन मान के बैठी थी कि नहीं, संदीप मुझे प्यार करता है, इतना भी क्या ही हो जाएगा अगर हम दोनों के बीच में कुछ, मान लो मुझे मार रहा है, मेरे साथ मारपीट कर रहा है, तो संगीता ये सोच के रहती थी कि वो प्यार तो मुझसे करता है ना, तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, अगर अपना गुस्सा निकाल लेता है तो कोई बात नहीं। ये चीज़ें संगीता अपने मन में सोचा करती थी और इसीलिए संदीप का साथ दे रही थी। अब आती है दिवाली की रात। दिवाली पर वो अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो तुम भारत आ जाओ, यहाँ जयपुर में मैं तुम्हें एक नौकरी भी दिला दूंगा जिससे तुम भी कमाई कर लोगी, मेरी भी हो जाएगी और ठीक ठाक हमारा गुजारा चलेगा, और अब मेरा तुम्हारे बिना मन भी नहीं लगता है, इसलिए तुम वापस भारत आ जाओ, मेरे साथ रहो, मैं यहाँ पे कमरा भी ले लूँगा। अब पहले तो संगीता बहुत मना करती है, वो बोलती है कि देखो वहाँ पर मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, सिर्फ आप हो, आप वहाँ पर काम करते हो, मैं नेपाल में ही ठीक हूँ, यहाँ हमारे घर परिवार के लोग हैं, मैं भारत नहीं आ पाऊँगी। लगातार जब दोनों एक दूसरे को मनाते हैं, लेकिन तब भी जो संदीप है वो संगीता को मना ले जाता है और संगीता भारत आने को राजी हो जाती है। और फिर वो दिवाली के बाद आ जाती है भारत। यहाँ पर ये लोग जयपुर में ही रुकते हैं, जयपुर में वो एक कमरा किराए पर लेता है, कमरा किराए पर लेने के बाद अपने बीवी के साथ उस कमरे में रहता है और अपनी जो जॉब थी वो भी कर ही रहा था। लेकिन इसी दौरान तारीख आती है 10 दिसंबर, अचानक संगीता की तबीयत खराब हो जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब होती है, वीकनेस आ जाती है, उसे चलने में तकलीफ होती है।
अब इसी बीच ये डॉक्टर के पास ले जाता है, वहाँ दवाई वगैरह दिलवाता है। धीरे धीरे संगीता जो है रिकवर करना शुरू कर देती है। अब 10 के बाद सीधे 3 दिन बाद 13 दिसंबर को अचानक कुछ ऐसा होता है कि जो संगीता है उसकी मौत हो जाती है। दरअसल 13 दिसंबर को ये जी भर के शराब पीता है संदीप, और उसी शराब पीने के दौरान ये संगीता को बोलता है कि तुम भारत तो आ गए लेकिन तुम कुछ पैसे लेके नहीं आए अपने परिवार वालों से, ना तो तुमने मुझे दहेज दिया और ना ही जब तुम इंडिया आ रही थी, जब तुम मेरे पास आ रही थी तो कुछ लेकर भी तो आना चाहिए था, तुम ये सब भी लेकर नहीं आई। फिर से एक झगड़ा शुरू हो जाता है इन लोग के बीच में, और जो संगीता है वो भी गुस्से में आकर, इस वक्त संगीता से कंट्रोल नहीं होता क्योंकि वो भी बीमार थी, वो रिकवर कर रही थी, दवाइयों पे चल रही थी, उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो जो संदीप है उसकी बहन को लेके ताना कस देती है कि तुमने भी तो अपनी बहन को कुछ नहीं दिया। ये सारी तरीके से वो उसकी बहन पर ही एक तरीके से आरोप लगा देती है या बहन को टारगेट बना लेती है। अब ये चीज़ें संदीप को चुभ जाती हैं, संदीप को लगता है कि ये मेरे सामने जुबान चला रही है। बस इतनी ही बात पे जो संदीप है वो उसका गला दबाना शुरू कर देता है। अब संगीता पहले से ही बीमार थी, उसकी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं थी कि वो अपने आप को किस तरीके से बचा पाए या संदीप को धकेल पाए या अपना अपने आप को छुड़ा पाए। और संदीप इसी आपाधापी में दोनों के बीच जो होती है उसमें उसका गला दबाता रहता है, और संगीता की मौत हो जाती है। अब जब वो देखता है ये मर गई तो उसे इस चीज़ का पछतावा नहीं होता कि संगीता मर गई। अब वो ये सोचता है कि ये जो मैं पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था इससे, अब मैं कैसे मांगूंगा, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच वो करीब 2 घंटे तक उस लाश के पास बैठा रहता है, सोचता है अब क्या करूं। उसके बाद इसकी मालकिन का फोन आता है और वो बोलती है कि देखो सुबह हमें तड़के आगरा के लिए निकलना है, तुम आ जाना और गाड़ी यहाँ पे रेडी रहेगी, मुझे आगरा छोड़ देना। ये बोलता है जी मालकिन, और उसके बाद लाश को देखता है, फिर सोचता है ठीक है कुछ देर सो जाता हूँ। देखिए इतने इत्मीनान से रहता है उस वक्त, इसे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं कि हाँ मेरी बीवी की मौत हो गई, मौत क्या इसी ने हत्या कर दी, तब भी इसे ज़रा भी डर नहीं होता। आराम से सोता है, सुबह उठता है और फिर पूरी भूमिका बनाता है, घर को बंद करता है, बाहर जाता है, इसके पास में एक ढाबा है वहाँ बोलता है कि भैया मेरी बीवी अभी सो रही है, उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है तुम तो जानते ही हो, तो करीब इतने बजे के आसपास या जब तुम्हारा नाश्ता अगर बन जाए जाके मेरी बीवी को दे आना और उसे जगा देना। अब ढाबे वाला पास का ही था, इन लोग को जानता भी था, बोलता है ठीक है भैया, वो बोल देता है और उसको कुछ पैसे पकड़ा देता है संदीप ढाबे वाले को। इसके बाद ये सीधे अपने मालिक के घर जाता है, वहाँ गाड़ी उठाता है, मेम साहब को बैठाता है और जयपुर जयपुर से आगरा की तरफ चल देता है। और इन्हीं रास्ते में पूरी कहानी बना लेता है कि किस तरीके से मुझे पुलिस से बचना है। अब इधर जब ढाबे वाला पहुंचता है अंदर कमरे में, दरवाज़ा खटखटाता है कि मैडम दरवाज़ा खोलिए, तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, तो इसीलिए वो बाहर का जो दरवाज़ा रहता है वो खुला होता है और जिस रूम में वो सो रही होती है वहाँ का बंद होता है। ये क्या करता है, बाहर का दरवाज़ा खोलता है, टेबल रखी होती है वहाँ पर ये नाश्ता रखता है, पराठा और दूध। इसके बाद नॉक करता रहता है, बार बार आवाज़ देता रहता है लेकिन कोई नहीं सुनता। वापस आता है ढाबे वाला, तो उसे लगता है कि आखिर इतनी बार बुलाने पर कोई भी जग जाता है। अब इसके लिए ये पड़ोस में जाके किसी को बताता है, ढाबे वाला जो पड़ोस में उनके रहते थे उनको जाके बताता है। अब वहाँ से एक औरत निकलती है, वो अंदर जाती है, बड़ी देर तक वो भी दरवाज़ा खटखटाती है, तो उसे भी कुछ समझ नहीं आता। अब ऐसे में ये लोग जो संगीता है उसके लिए पुलिस को कॉल कर देते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ ऐसी अनहोनी हो गई है, शायद कुछ हो गया है, क्योंकि इतनी देर तक लगातार पहले एक बंदा चिल्लाता गया, फिर दूसरी एक औरत आई वो भी चिल्ला रही, दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा है, कोई सुध नहीं है। पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस की निगरानी में दरवाज़ा टूटता है और फिर जैसे ही अंदर का मंजर देखते हैं हर कोई हैरान रहता है। संगीता अपने बेड पर बेसुध पड़ी होती है, जब पुलिस आगे जाती है तो देखती है कि उसकी मौत हो चुकी है। अब इसके बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा जाता है, हर किसी को बताया जाता है। इधर ढाबे वाला तुरंत संदीप को फ़ोन करता है और कहता है भैया आपकी बीवी की तो मौत हो गई है, मैं यहाँ, वो पूरा घटनाक्रम बताता है कि दरअसल मैं ऐसे आया, मैंने दूध का और पराठे का गिलास रखा, फिर देखा गेट नहीं खुल रहा, पूरी एक कहानी बताता है। अब संदीप वहाँ पे रोने का नाटक करता है अपनी मालकिन के सामने गाड़ी के अंदर ही। अब मालकिन भी उससे पूछती है तो सारी, वो भी बताता है कि मेरी बीवी की मौत हो गई, पता नहीं मैं तो सुबह अच्छा खासा छोड़ के आया था, हमने साथ में चाय बिस्किट खाए थे, फिर मैं उसे सुला दिया था दवाई देके कि वो सो जाए, और फिर मैं अपने घर से निकला था आपके घर के लिए। अब जब ये मालकिन ये चीज़ सुनती है कि बीवी की मौत हो गई, बोलती ठीक है फ़ौरन जाओ, तुम्हें अपनी बीवी के पास ही जाना चाहिए भाई, जिस तरीके की ये घटना हो गई है। अब संदीप वहाँ से वापस आता है अपने किराए के कमरे पर, खूब रोता है। इधर जो संगीता के परिवार वाले उन्हें भी बुलाया जाता है, वो लोग भी सब आते हैं। अब उनके सामने बहुत बुरी तरीके से संदीप रोता है, बोलता है मेरी बीवी को किसी ने मार दिया, किसी ने उसके साथ बहुत गलत किया, किसकी दुश्मनी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पुलिस के सामने बोलता है। अब पुलिस को भी उस पर शक होता है कि इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा है, किसी ने मार दिया, किसी से दुश्मनी थी, कौन है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, टटोलती है,
तो वो ये बताता है कि देखिए मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं, कुछ नहीं पता कि कौन उसका दुश्मन है, लेकिन किसी ने मार दिया है, क्योंकि मैं तो अपनी बीवी के साथ चाय बिस्किट खा के गया था, फिर मैं अपनी मालकिन के घर निकल गया, फिर उन्होंने रास्ते से भेजा। वो वही बार बार चार लाइनें जो उसने रट रखी थी वही रिपीट कर रहा था बार बार। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आती है तो पता चलता है कि किसी डोरी से उसकी हत्या की गई है, जो संगीता है, किसी डोरी से उसका गला दबाया गया है। अब पुलिस को और शक होता है, पुलिस रूम वगैरह खंगालती है, सब कुछ देखती है, देखती है कि उसका एक स्वेटर है उसमें वो डोरी गायब है, जो हुडी होती है ना उसकी डोरी गायब है कैप की। अब जब पुलिस और पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस को शक तो हो जाता है कि जिस तरीके से रो रहा है, एक तरीके से पुलिस को लगता है घड़ियाली आंसू है, इसको कोई दुख नहीं है। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है, और तब जाकर संदीप पुलिस से डर जाता है, उसके सामने टूट जाता है और सारी कहानी बता देता है कि किस तरीके से उसने संगीता को मौत के घाट उतार दिया।